इतनी देर हो गई, रानी अब तक मुझे मनाने क्यों नहीं आई? इस सजावट किस लिए हो रही भैया? सुना है कोई मंत्री आने वाला है, उसी के स्वागत की तैयारी हो रही है। मंत्रियों की सबको पड़ी है, राजा की किसी को नहीं पड़ी। आज राजा का जन्मदिन है, कम से कम आज तो तुम भी मेरे लिए कुछ खास कर सकती थी रानी। क्या सोच रहे हो राजा भैया? यही कि तुम सही कह रहे थे, मर्द को सख्ती बरतनी ही चाहिए। अब तुम देखना, जब तक रानी मुझसे माफी नहीं मांग लेती, मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। खबर पक्की है? जी महाराज, ये सब तैयारियां राजा के जन्मदिन की ही है। आपने जैसा कहा है वैसा हो जाएगा, चलता हूं। मेरे बेटे का जन्मदिन है, जश्न तो होगा और धमाकेदार होगा। मीनू जल्दी करो, हमें निकलना है। बैठे रहिए, आप जैसा आदमी औरतों के सम्मान में खड़े हो अच्छा नहीं लगता। एमएलए साहिबा, हमारी जमीन पे आपको मुआयना करने चलना होगा। एक बार वो आप कर लेंगी तो हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सारे कागजात हम तैयार करके लाएं। आप रख दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। एक मिनट, ये जरूरी काम है मेरे साहिबा। आपको क्या लगता है, आपके काम के अलावा हमारे पास और कोई काम ही नहीं है? तो सरकार के पास लोगों के काम से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? परेशान लग रहे हैं आप, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? जी नहीं, इस मसले से आपका कोई सरोकार नहीं है। मसला क्या है? लेकिन राजू को जन्मदिन विश करने के लिए 10 बार फोन कर चुके हैं, पर वो हमसे बात करने को तैयार ही नहीं है। आपकी जमीन की नीलामी के चक्कर में मुझसे मिलने नहीं जा पाए, अब उसे लगता है मैं उस पर ध्यान नहीं देते। कोई बात नहीं, हम अभी जाएंगे और उसे मना लेंगे। हिंदुस्तानी औरतें, मतलब कि ये दस्तूर बहुत पुराना है। मर्द बुरा मान जाता है और औरत उसको मनाने में लग जाती है। ये ऐसा ही था और हमेशा ऐसा रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि औरत कमजोर होती है। जब औरत बुरा मान जाती है तो मर्द उसे मनाने के लिए कभी नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि औरत की हिम्मत और जिद दोनों ही बहुत जल्दी टूट जाती हैं। खैर जाने दीजिए, आप खुद एक औरत हैं, अपने शौहर के पास जाइए, झुक जाइए उसके सामने, माफी मांगिए, पैरों में लेट जाइए उसके, जाइए मनाइए उसे। हम राजा के सामने झुकने नहीं जा रहे, झुकता वो है जिसने गलती की हो, हमने कोई गलती नहीं की है। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती नहीं हुई तो मत जाइए उसके पास, पर वो आपसे होगा नहीं। नवाब साहब का दिमाग खराब है, कैसी बकवास बातें करते हैं, ये आदमी हमें समझ ही नहीं आता। फिर हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर राजा हमसे नाराज क्यों है? ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसे काहे बोल रहे हैं, हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाँ कोडियो, हाउ डेयर यू। और नहीं भाई,
भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। भाई यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से